Hello students, welcome to online lectures of Mumbai International School and Junior College. This lecture is for class 3rd and 4th. Subject Hindi, topic Matraon ka Parichay. Let's begin. मात्राओं का परिचय। हम स्वर के पहले अक्षर अ से शुरुआत करेंगे। अ की कोई मात्रा नहीं होती। क पर जब आप अ लगाओगे तब भी वह क ही पढ़ा जाएगा। क प्लस अ इज इक्वल टू क। वैसे ही ब प्लस अ इज इक्वल टू ब। ह प्लस अ इज इक्वल टू ह। ग प्लस अ इज इक्वल टू ग। हमारा अगला स्वर है आ और यह है आ की मात्रा। जब हम त पर आ की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा ता। त प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू ता। वैसे ही स प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू सा। च प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू चा। ख प्लस आ की मात्रा इज इक्वल टू खा। हमारा अगला स्वर है छोटी ई और यह है छोटी ई की मात्रा। जब हम फ पर छोटी ई की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा फी। जब हम किसी अक्षर पर छोटी ई की मात्रा लगाते हैं तब उसका उच्चारण खींचते नहीं है, हम कहते हैं फी। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल फी, फिर, सी, सिर, की, किसान। वैसे ही फ प्लस छोटी ई की मात्रा इज इक्वल टू फी। थ प्लस छोटी ई की मात्रा इज इक्वल टू थी। ट प्लस छोटी ई की मात्रा इज इक्वल टू टी। घ प्लस छोटी ई की मात्रा इज इक्वल टू घी। हमारा अगला स्वर है बड़ी ई और यह है बड़ी ई की मात्रा। जब हम प पर बड़ी ई की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा पी। जब हम किसी अक्षर पर बड़ी ई की मात्रा लगाते हैं तब उसका उच्चारण कुछ समय के लिए खींचते हैं, हम कहते हैं पी। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल पी, पीछे, ती, तीर, ची, चील। वैसे ही प प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू पी। ध प्लस
बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू धी। भ प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू भी। ठ प्लस बड़ी ई की मात्रा इज इक्वल टू थी। हमारा अगला स्वर है छोटा ऊ और यह है छोटे ऊ की मात्रा। जब हम ज पर छोटे ऊ की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा जू। जब हम किसी अक्षर पर छोटे ऊ की मात्रा लगाते हैं तब उसका उच्चारण खींचते नहीं हैं, हम कहते हैं जू। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल जू, जुगनू, पु, पुल, सु, सुई। वैसे ही ज प्लस छोटे ऊ की मात्रा इज इक्वल टू जू। द प्लस छोटे ऊ की मात्रा इज इक्वल टू दू। ग प्लस छोटे ऊ की मात्रा इज इक्वल टू गु। ल प्लस छोटे ऊ की मात्रा इज इक्वल टू लु। हमारा अगला स्वर है बड़ा ऊ और यह है बड़े ऊ की मात्रा। जब हम झ पर बड़े ऊ की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा छू। जब हम किसी अक्षर पर बड़े ऊ की मात्रा लगाते हैं तब उसका उच्चारण कुछ समय के लिए खींचते हैं, हम कहते हैं छू। उदाहरण के लिए फॉर एग्जाम्पल छू छूट, चू चूहा, जू जूता। वैसे ही झ प्लस बड़े ऊ की मात्रा इज इक्वल टू झू। स प्लस बड़े ऊ की मात्रा इज इक्वल टू सू। म प्लस बड़े ऊ की मात्रा इज इक्वल टू मू। ध प्लस बड़े ऊ की मात्रा इज इक्वल टू धू। हमारा अगला स्वर है ए और यह है ए की मात्रा। जब हम प पर ए की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा पे। प प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू पे। वैसे ही र प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू रे। ज प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू जे। ग प्लस ए की मात्रा इज इक्वल टू गे। हमारा अगला स्वर है ऐ और यह है ऐ की मात्रा। जब हम श पर ऐ की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा शय। श प्लस ऐ की मात्रा
इज इक्वल टू शय। वैसे ही ह प्लस आई की मात्रा इज इक्वल टू हय। ब प्लस आई की मात्रा इज इक्वल टू बाय। थ प्लस आई की मात्रा इज इक्वल टू थय। हमारा अगला स्वर है ओ और यह है ओ की मात्रा। जब हम व पर ओ की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा वो। व प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल टू वो। वैसे ही द प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल टू डो। त प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल टू तो। र प्लस ओ की मात्रा इज इक्वल टू रो। हमारा अगला स्वर है औ और यह है औ की मात्रा। जब हम प पर औ की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा पौ। प प्लस औ की मात्रा इज इक्वल टू पौ। वैसे ही ज प्लस औ की मात्रा इज इक्वल टू जौ। म प्लस औ की मात्रा इज इक्वल टू मौ। ग प्लस औ की मात्रा इज इक्वल टू गौ। हमारा अगला स्वर है अन और यह है अन की मात्रा। जब हम क पर अन की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा कन। क प्लस अन की मात्रा इज इक्वल टू कण। वैसे ही झ प्लस अन की मात्रा इज इक्वल टू झन। स प्लस अन की मात्रा इज इक्वल टू सन। न प्लस अन की मात्रा इज इक्वल टू नन। हमारा अगला स्वर है आहा और यह है आहा की मात्रा। जब हम ग पर आहा की मात्रा लगाएंगे तब वह बनेगा गह। ग प्लस आहा की मात्रा इज इक्वल टू गह। वैसे ही त प्लस आहा की मात्रा इज इक्वल टू तह। ल प्लस आहा की मात्रा इज इक्वल टू लह।
छ प्लस आहा की मात्रा इज इक्वल टू छह। बच्चों, ये था हमारा मात्राओं का परिचय।